हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय। ये हमारा 32 ट्यूटोरियल है जिसमें हम पढ़ेंगे कैलॉग फंक्शन के बारे में। कैलॉग फंक्शन पढ़ने से पहले आप मैलॉग फंक्शन पढ़ लीजिए, इससे पिछले वाला ट्यूटोरियल हमारा देख लीजिए, उसमें मैंने मैलॉग फंक्शन पूरा डिटेल में समझाया है, आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप इस लेक्चर में आइए। देखिए, कैलॉग फंक्शन और मैलॉग फंक्शन में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो मैलॉग फंक्शन होता है वो हमें सिर्फ एक मेमोरी ब्लॉक असाइन करेगा, और जो कैलॉग होता है, फंक्शन होता है हमारा, वो एक ही साइज़ के डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक हमें असाइन कर सकता है। तो देखिए, उसके सिंटेक्स, मैलॉक और कैलॉग के सिंटेक्स में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, यहाँ पर लिखा है वॉइड पॉइंटर कैलॉग एन कॉमा साइज इन बाइट्स, जबकि मैलॉक में ये एन का यूज़ नहीं होता। एन हमें ये बताता है कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स बताता है हमें एन, और ये भी किसी भी डेटा टाइप के लिए अवेलेबल हो सकता है, किसी भी डेटा टाइप के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, दूसरा मैंने यहाँ सिंटेक्स यूज इन कोड पी इजिकल टू कास्ट टाइप एस्ट्रिक कैलॉग एन साइज इन बाइट। एन हमें यही बताएगा कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, और कास्ट टाइप हम यूज़ करते हैं जिस वेरिएबल में हमें चेंज करना होता है, उस वेरिएबल में का नाम यहाँ पर दिखते हैं हम। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे पी इजिकल टू इंट एस्ट्रिक, हमने क्या करा है, इसको इंट में कास्ट किया है, मतलब इंट में इंटीजर वैल्यू में चेंज किया है। तो देखिए आप, हमने इस प्रोग्राम में क्या किया है। सबसे पहले तो हम एक एरे लेंगे, उसमें यूज़र से साइज पूछ लेंगे, फिर उससे एंटर करवाएंगे एलिमेंट्स, फिर उन एलिमेंट्स को हम प्रिंट करवाएंगे। मैं दोबारा ये कोड नहीं लिखना चाहता, क्योंकि मैं आप पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैंने इससे पहले प्रोग्राम में बिल्कुल यही प्रोग्राम लिखा हुआ है, और सिर्फ मैलॉग की जगह मैंने इस प्रोग्राम में कैलॉग चेंज किया है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ इस प्रोग्राम में फटाफट मैंने किया क्या है। सबसे पहले तो मैंने ये प्रिंट करवा लिया, एंटर द साइज ऑफ एरे, फिर स्कैनफ की मदद से मैंने यूज़र से एरे का साइज़ ले लिया, फिर मैंने क्या किया, अपने कैलॉग फंक्शन का यूज़ किया और एन टाइप के अलग अलग ब्लॉक बनवा लिए। फिर मैंने एक मैसेज प्रिंट करवाया, एंटर द एलिमेंट ऑफ एरे। फिर मैंने क्या किया, एक फॉर का लूप लिया जिसमें मैंने वैल्यू ली यूज़र से और उसको डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में अपने सेव करवाया। इसके लिए मैंने लिया स्कैनफ मॉड डी और पी। यहाँ मैंने एड्रेस का साइन यूज़ इसलिए नहीं किया है क्योंकि जो हमारा पी है एक पॉइंटर है, जो कि हमारे मेमोरी के फर्स्ट ब्लॉक को का एड्रेस स्टोर कर रखा है, इसलिए ये पहले से ही एड्रेस स्टोर कर रखा है, इसलिए हम एड्रेस साइन का यूज़ नहीं करेंगे। और फिर हमें वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मेमोरी में सेव करना है एलिमेंट्स को, तो हम इंक्रीमेंट करेंगे वन बाय वन। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने अपने एलिमेंट को प्रिंट कराने के लिए प्रिंट एफ का यूज़ किया है, द एलिमेंट ऑफ आर। और फिर हमने क्या किया है, देखिए इससे पहले जो फॉर लूप चला है हमारा, उससे जो हमारे पॉइंटर की वैल्यू पी की वैल्यू वो हमारे ब्लॉक के लास्ट में आ चुकी है, और जब हम वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो हमें चाहिए कि जो हमारा P हो वो सबसे स्टार्टिंग को पॉइंट करे। तो मैं क्या करूँगा, P से N माइनस कर लूँगा, नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो हमने दिए हैं वो माइनस कर लूँगा, तो वो सबसे पहले ब्लॉक के सबसे पहले एड्रेस को पॉइंट करेगा। देखिए, फिर हमने दोबारा फॉर लूप चलाया हमने प्रिंट करने के लिए हमारा आउटपुट, तो देखिए मॉड डी एस्ट्रिक पी, जो पी है हमारा वो एड्रेस स्टोर कर रखा है उसने, हमारे पहले ब्लॉक के एलिमेंट का एड्रेस स्टोर कर रखा है। तो एस्ट्रिक से क्या होगा, उस एड्रेस में जो वैल्यू स्टोर हुई होगी वो प्रिंट हो जाएगी। फिर हमने पी को वन बाय वन इंक्रीमेंट किया हुआ है। तो देखिए, अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊं तो ये भी बिल्कुल मैलॉग फंक्शन की तरह ही काम करेगा। तो देखिए, मैंने इसमें डाला एंटर द साइज ऑफ 3 डाल दिया मैंने साइज, और फिर मैंने 1 2 3 तीन एलिमेंट डाल दिए, तो इसने आउटपुट में हमें क्या देते हैं, द एलिमेंट्स आर 1 2 3। मैलॉग और कैलॉग में सिर्फ यही मेन डिफरेंस है कि कैलॉग क्या करता है, अलग अलग ब्लॉक्स डिफरेंस में ब्लॉक्स हमें बना के देता है, जबकि मैलॉग सिर्फ एक ही ब्लॉक बना के हमें देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। विजय आउट।